कमेंट सीरीज के अंदर 50वां सवाल है जिसमें पाटिल जी पूछते हैं, और ये सवाल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। पुरानी कंपनी का पीएफ ट्रांसफर हो गया है, पेंशन ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसा ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पीएफ के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर जब आप ट्रांसफर फॉर्म भरते हैं तो आपका पीएफ का अमाउंट पुरानी आईडी के अंदर जीरो हो जाता है, लेकिन वहां पे पेंशन का अमाउंट आपका शो करता रहता है। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उनका पीएफ ट्रांसफर हो गया लेकिन पेंशन ट्रांसफर नहीं हुआ। ये एक कॉमन, सभी लोगों को ये दिक्कत आती है। इसके बारे में पीएफ ऑफिस ने कभी कोई सफाई नहीं दी है, ना ही कहीं कोई समझाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको यहां इस चैनल पे हर पीएफ से रिलेटेड परेशानी का सलूशन देने की कोशिश करता हूं। तो इसका सलूशन ये है कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ऐसा काम होता है कि आपका पीएफ का जो अमाउंट है वो तो नई आईडी के अंदर आपको शो करता है, लेकिन जो पेंशन है पेंशन के अंदर अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। पीएफ ऑफिस के अपने रिकॉर्ड के अंदर वो ये चीज़ नोट कर लेते हैं कि इन्होंने कंपनी नंबर एक के अंदर एक साल तीन महीने की सर्विस की है, वो एक साल तीन महीने की सर्विस का क्रेडिट आपके रिकॉर्ड में वो नोट कर लेते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड में नोट करते हैं, ना तो आपको सर्विस हिस्ट्री में कहीं ऐसा दिखेगा कि एक साल तीन महीने का पहले वाली कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो अगली वाली कंपनी में जुड़ गया, और ना ही आपको अमाउंट ट्रांसफ़र दिखेगा। ये पेंशन का अमाउंट आप ये मान के चलिए कि वो अमाउंट सिर्फ आपको खुद देखने के लिए है। जब आपको कभी पेंशन का फाइनल सेटलमेंट किया जाता है तो वहाँ पे आपको पेंशन का अमाउंट देख के नहीं दिया जाता है, आपकी टोटल सर्विस को देख के और अगली कंपनी जो सर्विस है उस सर्विस को देखकर आपको बैलेंस दिया जाता है पेंशन का, ना कि आपके अमाउंट को देखकर। तो यहाँ आशा करता हूँ आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि अगर आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो चुका है तो मान लीजिए कि आपका पेंशन का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। ये मिलेगा कब? जब आप कभी फाइनल सेटलमेंट करेंगे, 1910 से भरेंगे, तो आपको पुरानी आईडी का और नई आईडी का दोनों का मिला के आपको मिलेगा। इसमें 50% करीब, अनुमान से बता रहा हूँ, 50% के करीब लोग ऐसे होते हैं जिनका पेंशन का पैसा पूरा नहीं आता है। तो ऐसा मत वहम कीजिएगा कि आपके पुरानी आईडी के पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए थे इस वजह से कम आए हैं, उसके बहुत सारे और रीज़न होते हैं पेंशन कम आने के, जो आप मेरी ही और वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये थी आपको इस सवाल के बारे में जानकारी। दोस्तों, इस चैनल पे आप देख सकते हैं 2.5 साल में मैं लगातार आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतर तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँगा। इसके अलावा अगर आप पीएफ का काम सीखना चाहते हैं ताकि आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम इसे जॉब की तरह देख सकें, पार्ट टाइम काम की तरह देख सकें, तो आप ज़रूर एक कोर्स, जो एक छोटा सा कोर्स है मेरा जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा पीएफ का काम कैसे किया जाता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका पीएफ का काम इससे इस चैनल के माध्यम से हो जाता है और आप मेरे को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फोन पे, पेटीएम पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।